16 साल से लड़ते लड़ते आज उसको इन लोगों ने मार डाला, शहीद हो गया। अब मेरे घर में उसके अलावा उसका मेरा बेटा शेर की तरह था, जो कि इससे आज तक अतिक से किसी ने आके नहीं मिलाया। लेकिन मेरे बेटे ने 16-17 साल इससे मुकदमा लड़ा। जब अंतिम समय आ गया तो इसने मेरे बेटे को मरवा दिया। लेकिन आज फैसला आने वाला है, मैं ऊपर कोर्ट से कल भी कह रही थी, आज इसको फांसी की सजा हो, इसलिए कि इसको अगर उम्र कैद हो गया तो जेल में बैठ करके वहां से शतरंज रच करके मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को ये फिर विनाश की घड़ी पहुंचाएगा। हम लोग न जी पाएंगे न रह पाएंगे, इसलिए कि ये हमेशा अपना गुंडे माफिया का इसका साथ है, पूरा इसने पाल रखा है, पूरा एक संघर्ष, ये हम लोगों को, हमारे बच्चों को मरवा देगा। माता जी, आपकी आंखों में आंसू है, आज उस आंसू का हिसाब करने का भी दिन है, क्या लगता है कि आज आज हिसाब मेरा यही कहना है कि जैसे मेरा बेटा इतने दिन मुकदमा लड़ा और जो न्यायालय या शासन प्रशासन इसको आज फांसी की सजा दे, इसलिए ये वहां से आया है, तो आज इसका इंसाफ मेरे मरे हुए बेटे का जो 16 साल लड़ा है, आज इसको फांसी होना चाहिए। आज देश के हर कोई जो है आपको देख रहा है, क्या कहेंगे एक माँ के तौर पर, आपका बेटा आपके पास नहीं है, आज क्या कहेंगे? आज मेरा यही कहना है कि जो भी फैसला हो, कड़ा से कड़ा हो, इसको फांसी हो, इसलिए इसकी फांसी हो जाएगी तो मेरे बेटे की मरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी, मेरी भी आत्मा संतुष्ट होगी, आगे मुझे जीने का राह माता जी, मिलेगा। सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, जो सरकार ने जिस तरीके से कदम उठाया है, इतनी सख्ती से लेकर आए हैं, क्या उम्मीद रखते हैं योगी जी से, क्या उम्मीद है? योगी जी से पहले भी उम्मीद था बेटा, आज भी मुझे उम्मीद है कि वो कड़ी से कड़ी इसको सजा दिलाएंगे और जो गा मेरे जीवन मेरे बच्चों के आगे बढ़ने के लिए रास्ता देंगे। सरकार ने जो अभी तक एक्शन लिए हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, उससे हम संतुष्ट हैं बेटा। माता जी, क्या आप लोग भी कोर्ट जाएंगे या परिवार का कोई सदस्य कोर्ट जाएगा? बेटा, हम लोग आज कोर्ट जाके क्या करेंगे, हम तो वैसे भी विकलांग हैं, हम तो वैसे भी विकलांग हैं, और बहू को आप भेजेंगे, इसके अनगिनती गुंडे हैं, कोई भी वहाँ कुछ भी कांड कर सकता, मेरे परिवार को मार डाल सकता है, इसलिए मेरा परिवार जो है, मैं अपने बच्चों को वहाँ नहीं भेजूंगा। अभी घर की जो सुरक्षा बढ़ाई गई है उससे आप संतुष्ट हैं या और सुरक्षा की मांग कर रही हैं? अभी तो जो दे भी सुरक्षा है, अभी तो मेरे लिए इतनी सुरक्षा है, लेकिन बेटा जब बाद में ये और सुरक्षा नहीं रहेगी तो मेरे बच्चों को जीना मुतैज हो जाएगा, इसलिए इसको फांसी हो जाए तो मुझे बड़ी आत्मा संतुष्टि मिली। क्या उम्मीद है आज, क्या उम्मीद है आपको कि आज का जो फैसला आ रहा है? आज तो मेरा यही उम्मीद है कि मेरे बेटा ने जो 16 साल संघर्ष किया है, उस संघर्ष बेकार नहीं जाएगी, आज इसको फांसी की सजा होगी।